गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर पंचायत में लूट मची है। विकास के नाम पर फर्जी निकासी भी कर ली गई, जो धरातल पर नहीं दिख रहा है। उक्त पंचायत के नवयुवकों द्वारा गठित पंचायत की आवाज की टीम शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय पहुंची। युवा समाज सेवी अनूप उपाध्याय उर्फ बड़ू उपाध्याय के नेतृत्व में दर्जनों नवयुवकों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन सौंपा। इस संबंध में समाज सेवी अनूप उपाध्याय उर्फ बड़ू उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि पंचायत में हुए फर्जी निकासी व लूट की शिकायत एक सप्ताह पूर्व भी की गई थी, किंतु जांच नहीं हुई। साथ ही आग्रह किया गया था कि पंचायत सचिवालय कभी नहीं खुलता है। अनूप उपाध्याय ने कहा कि पंचायत के मुखिया व उप मुखिया के द्वारा मिलकर किए गए फर्जी निकासी की जांच हो। पंचायत में सोलर लाइट व वेपर लाइट की जाँच करते हुए फर्जी निकासी की जाँच, चापाकल मरम्मत चापाकल का भुगतान की जांच, आंगनबाड़ी मरम्मती के नाम पर फर्जी निकासी, नाली निर्माण कहां हुआ, कितना हुआ, इसे बनने से ग्रामीणों को क्या लाभ हुआ, इसकी जांच की जाए, डस्टबिन में फर्जी निकासी, कोविड-19 में सैनिटाइजर के नाम पर फर्जी निकासी की जांच की जाए। अनूप उपाध्याय ने बताया कि मुखिया द्वारा धमकी दी जा रही है कि हरिजन एक्ट कर दूंगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों में रोष है, यदि जांच नहीं होगी तो प्रखंड कार्यालय का घेराव व धरना प्रदर्शन करने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं। दो दिनों के भीतर ग्रामीणों को संतुष्ट किया जाए। मौके पर विवेका पांडे, आनंद पासवान, गोविंद पासवान, प्रिंस राज उपाध्याय, धनंजय पांडे, राकेश कुमार शर्मा, दीपक कुमार उपाध्याय, अजय यादव, सुधीर कुमार, आशीष बैठा, विकास पांडे सहित कई अन्य नवयुवक उपस्थित थे। आज अभी हम लोग वीडियो से आपको आवेदन एक दिया, जिसमें हम लोग आज के मांग में मुख्य रूप से सोलर लाइट, पंचायत में चापा कल मरम्मती और नाली का निर्माण और डस्टबिन और कोविड में फर्जी निकासी के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया और उसकी जांच के लिए मांग रखा वीडियो साहब के पास। इसके साथ ही वीडियो साहब का आश्वासन मिला कि देखते हैं इसको, देख करके वीडियो मुखिया से बात करके और इससे करके हम आप लोग का ये सोल्यूशन करते हैं और जाँच कराते हैं। इसके बाद हम जो अपने पंचायत में समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इस समाज सेवा के काम से हमारे पंचायत में कुछ नहीं, मुखिया और उप मुखिया को खास तरह का प्रॉब्लम महसूस हो रहा है। हमारे साथ जितने भी नवयुवक हैं, उप मुखिया के द्वारा उन नवयुवक को धमकी दिया जा रहा है कि उन लोग के साथ मत चलो, उस ग्रुप में मत रहो और वहाँ पर अपना योगदान मत दो, पंचायत जांच मत कराओ, हम लोग जैसे कहते हैं जैसे चाहते हैं वैसे काम होने दो। दबंग किस्म के आदमी है उप मुखिया, उनके डर से भी कुछ हमारे नवयुवक जो है सो सहमे हुए हैं, लेकिन मैं ये बोला कि ठीक है आप दबंग हो, गोली मार देना, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपसे लड़ने के लिए तैयार है। अगर आप हैं उस फर्जी में, आप हैं तो हम उस फर्जी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद मुखिया के द्वारा भी बार बार ये धमकी दिया जा रहा है कि हम हरिजन हैं, हरिजन एक्ट कर देंगे, या फिर पंचायत भवन पर बैठ करके कागज फाड़ करके आपको पंचायत के काम में बाधा के रूप में आपको फंसा देंगे, आपको PC मांगने के रूप के लिए आप पर FIR दर्ज कराएंगे। इस तरह की बहुत ही ब्लेम है जो कि मुखिया के द्वारा और उप मुखिया के द्वारा गांव के चौराहों पर घूम करके उनके जो समर्थक हैं उन लोग के साथ बैठ करके ये कह रहे हैं। उप मुखिया के भी कहना है कि उन लोग एक दो केस होते तक उन लोग सब हवा हो जाएगा, डरना नहीं है। और मनोबल फर्जी का जो निकासी का मामला है उसमें मनोबल सब कोई का अति बढ़ा रहे हैं, और लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई को चालू रखेंगे और लड़ेंगे, हर दम तक लड़ेंगे, हर सांस तक लड़ेंगे।